भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिलने के सवाल पर मीडिया कर्मियों से कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया था कि यह सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है। आज कोर्ट से उन्हें राहत मिली है तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से माफी मांगनी चाहिए और उनका आभार ज्ञापित करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, देखिए प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। नंबर एक, हमारे देश में न्याय व्यवस्था चलती है, चाहे कोई भी राजनीतिक संगठन हो, जो देश के हित में काम कर रहा है उसको न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करना होगा। हमने भगवान श्री राम का मंदिर भी बनवाया है तो न्यायालय के आदेश से बनवाया है। हम अगर ज्ञानवापी का भी मंदिर कभी बनवाने की स्थिति में होंगे तो न्यायालय के आदेश से ही होंगे। इसका शर्मनाक और दुखद प्रसंग है। माननीय राहुल गांधी जी को सजा एक न्यायालय ने दिया था और उन्होंने कहा कि यह सजा मुझे न्यायालय नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है। फिर गुजरात के उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को बरकरार रखा, उनकी सजा को स्टे नहीं किया। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि यह सजा मुझे हाईकोर्ट ने नहीं दी है बल्कि माननीय मोदी जी ने दी है। आज उनका स्टे हटा है तो अगर वो बड़े दिल के होते, समझदार होते और पारदर्शी होते तो अब तक उनका बयान आ जाना चाहिए था कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के सजा के बाद जो कुछ मैंने आरोप माननीय मोदी जी के ऊपर लगाए हैं मुझे उसकी शर्म आती है, हम उसकी क्षमा मांगते हैं और पूरे देश के नागरिकों से कहते हैं कि आज उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है हम उसके लिए माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह के आभारी हैं। यह बयान उनकी ओर से आना चाहिए।